वीडियो कभी डिलीट होता है? वीडियो तभी डिलीट होता है जब तुम बोलते हो विराट कोहली है ही नहीं। वीडियो तभी डिलीट नहीं होता है जब तुम बायो हथियार का बात करते हो और इनके प्रोपेगेंडा में फंसते हो कि विराट कोहली जैसा कुछ तो है। इवन अपना मिलिट्री का जनरल जो मर गया, अभी उसका नाम मैं भूल गया, वो भी बोल रहा था कि इस टाइप के हथियारों से हमें लड़ना होगा। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू मेकअप थिंग्स। और गिरीज वशिष्ठ और ये जो है गिरीज वशिष्ठ काफी नाप तोल के बोलता है, उसको मालूम है वीडियो डिलीट हो सकता है, तो वो काफी संभाल के बोलता है। बट वो अच्छा भी है क्योंकि चलो बहुत सारे उसके वीडियो देखने वाले मानते हैं कि विराट कोहली सच्चा है, बट एटलीस्ट दे आर गेटिंग दैट गवर्नमेंट ने उनको चूतिया बनाया, उनको थोड़ा हिंट लग रहा है। पूरा सच्चाई समझ नहीं रहा है, पूरा सच्चाई यह है कि कोई विराट कोहली नहीं है। लेकिन ऐसे वीडियो देख के गिरीज वशिष्ठ के थोड़ा एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट बढ़ता है, विच इज वेरी गुड थिंग। तो पब्लिक विल स्टार्ट टू डाउट गवर्नमेंट कि क्या कर रहा है ये लोग, और उससे एक नया आंदोलन जैसा कुछ हो जाएगा, विच आई एम होपिंग कि ऐसा हो जाए। नहीं होगा तो अपन तो वैसे ही फुकट के मरने वाले हैं। तो जब तुम ऐसा बोलोगे कि विराट कोहली नहीं है तभी डिलीट, ये लोग क्या कर रहे हैं? इनके वेबसाइट पे लिख के दे रहे लीक हो गया, नया डेटा आया, नया ये है, ये बेसिकली कंटेंट दे रहे यूट्यूबर्स को इनके खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। तुम इनके खिलाफ वीडियो बनाओ, वो तुम और प्रो एंटी वीडियो बनते रहेंगे, लेकिन प्रो एंटी वीडियो किस बात पे बनेंगे? ये बात पे बनेंगे कि विराट कोहली सच्चा है, और यही इनको पुश करना है कि विराट कोहली सच्चा है। विराट कोहली सच्चा है तो बायो सिक्योरिटी, टोचन, लॉकडाउन, मास्क, ये सब भी सच्चा है, ये ठीक है। जब तुम विराट कोहली को मानते हो तो तुम ये भी मानते हो कि ऐसा कोई चीज रहता है जो ए से बी में जाता है, और ये सब जरूरी था लोगों को बचाने के लिए। फिर तुम टोचन को भी मानते हो, फिर मतलब सारा एक सीक्वेंस चालू हो जाता है। अगर तुम ये मानते हो तो ये भी मानते हो, अगर ये मानते हो ये भी, ये भी, ये भी, ऐसा एक सीरीज ऑफ मान्यता चालू हो जाता है। तो मेजरली सच्चाई ये है कि विराट कोहली जैसा कुछ चीज होता ही नहीं, दैट्स ए फुल्स झूठ। और ये लोग जो कंटेंट डाल रहे हैं वेबसाइट पे, रिपोर्ट लीक हो गया, डेटा आया, वो बेसिकली यूट्यूबर्स को कंटेंट दे रहे हैं बनाने के लिए, उनको दंगा भी कराने हैं, सरकार गिरानी है, थोड़ा अफरा तफरी मचाना है ताकि वो लोग टेक ओवर कर सके। सरकार गिराने का भी इसमें एक बहुत बड़ा एजेंडा है, वो अच्छा भी है क्योंकि सरकार गिरनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोग ने जो किया है उसको माफ नहीं किया जा सकता। तो ये लोग जानते हैं यूट्यूबर्स है, अल्टरनेटिव मीडिया है, लेकिन ये लोग अल्टरनेटिव मीडिया को कंटेंट दे रहे बनाने के लिए वीडियो, और वो कंटेंट से सरकार के खिलाफ एक नफरत भी पैदा हो रही है, वो अच्छा है, प्लस अफरा तफरी मचेगी, थोड़ा दंगा फसाद होगा, और ये सब इनका प्लान है।